एमयू के वाइस चांसलर को जान का खतरा है। जी हां, वाइस चांसलर ने अपनी और परिवार की जान को खतरा बताया है। तारिक मंसूर ने एसएसपी और आला अफसरों को पत्र लिखा है, प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है। वाइस चांसलर ने असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने की गुहार भी वाइस चांसलर जो है वो इस पत्र के जरिए लगाते नजर आए हैं। तो एएमयू के वाइस चांसलर ने जान का खतरा बताया है और एक लेटर लिखा है एसएसपी को। तारिक मंसूर ने ये लेटर एसएसपी के नाम लिखा है, आला अफसरों के नाम लिखा है, जिसमें उन्होंने खुद की और परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई है। साथ ही साथ असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने की बात सामने आई है। अब आपको बता दें पूरा मुद्दा क्या है। एएमयू के वाइस चांसलर को अगर ये लिखना पड़ रहा है तो समझिए एएमयू में जिस तरह से पिछले दिनों स्थिति बनी हुई थी। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जब एएमयू का ये गेट तोड़ा गया था, दिल्ली के जेएनयू में जिस तरह से सीए को लेकर विवाद बढ़ता गया और पहले फीस बढ़ोतरी को लेकर स्टूडेंट्स जो हैं प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके बाद सीए का मुद्दा आया उसे लेकर स्टूडेंट का प्रोटेस्ट जो है वो बढ़ा, जिसके बाद पुलिस जो है जामिया मिलिया इस्लामिया में घुसती है, जेएनयू के स्टूडेंट के प्रोटेस्ट को रोका जाता है। दिल्ली पुलिस और स्टूडेंट के बीच एक जो स्थिति देखने को मिलती है उसको लेकर विरोध प्रदर्शन एएमयू के छात्र जो है करते हैं। और उसके बाद अब एएमयू वाइस चांसलर का यह लेटर कि उन्हें और उनके परिवार को जान का खतरा है, सुरक्षा उन्हें दी जाए। उसमें वीसी साहब का एक लेटर आया, उसमें ये बताया गया है कि सोशल मीडिया पे और जो है आसपास के अभी कुछ क्षेत्र में उनके और रजिस्ट्रार के खिलाफ में पोस्टर्स और इस तरह की भ्रामक सूचनाएं जो है कुछ लड़कों के द्वारा डाली गई थी, उसी को लेकर के एक तो मुकदमे को लेकर के उन्होंने बताया है उसमें कि कार्रवाई करे पुलिस, और उसके अलावा जो है उन्होंने सुरक्षा भी जो है कैंपस के अंदर और जो खुद को लेकर के सुरक्षा जो है उसका भी एक असेसमेंट हम लोग कर लें। और उसी पत्र के संदर्भ में जो है एसपी क्राइम को हमने लेटर भेजा है और एसपी क्राइम को दिया है कि एक सिक्योरिटी असेसमेंट कर ले, अगर किसी भी तरह का कोई थ्रेट अगर परसेप्शन अगर है तो उसके अंदर जो है हम लोग सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं। सहयोगी प्रमोद हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रमोद, वाइस चांसलर ने ये लेटर लिखा है, लेटर कब लिखा गया है और सुरक्षा की गुहार लगाई गई है, क्या कुछ आला अफसरों का कहना, हालांकि एसएसपी साहब ने इस बारे में जिक्र जरूर किया है, लेकिन क्या उनको सुरक्षा मुहैया करा दी गई है या फिर इस पर अभी कार्रवाई करने की बात की जा रही है कि देखेंगे उन्हें प्रोटेक्शन देना है या नहीं देना है। प्रमोद आप तक आवाज पहुंच रही है? लगता है सहयोगी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम आपको खबर इस बीच बता देते हैं कि एएमयू के वाइस चांसलर ने जान का खतरा बताया है, न सिर्फ खुद को बल्कि परिवार की भी सुरक्षा की मांग की गई है। एक लेटर लिखा है एएमयू के वाइस चांसलर तारिक मंसूर ने एसएसपी और आला अफसरों को, यह लेटर लिखते हुए उन्होंने खुद को और अपने परिवार के लिए सुरक्षा की गुहार लगाई है, साथ ही साथ जान का खतरा बताया है, असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने की गुहार लगाई गई है। पिछले दिनों हमने देखा किस तरह से एएमयू के छात्र जो हैं वो कहीं ना कहीं दिल्ली के जेएनयू और जामिया मिलिया इस्लामिया में हुए प्रदर्शन में जिस तरह से पुलिस और छात्र आमने सामने थे उसे लेकर एएमयू के छात्र प्रोटेस्ट करने उतरे थे और वहां भी यही अमूमन स्थिति देखने को मिली थी, पत्थर फेंके जा रहे थे पुलिस वालों पे, और फिर कल भी देखने को मिला एएमयू में छात्रों ने प्रोटेस्ट किया है। प्रमोद हमारे सहयोगी एक बार हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। प्रमोद आप तक आवाज पहुंच रही है क्लियर? जी जी। प्रमोद बताइए कि वाइस चांसलर ने खत लिखा है, एसएसपी का बयान तो हमने सुन लिया, लेकिन क्या अब कार्रवाई की जाएगी या उनको सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है, क्या स्टेप लिया जा रहा है? देखिए मैं आपको बता दूं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर तारिक मंसूर है उन्होंने देर रात एक पत्र उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रमुख सचिव के अलावा अलीगढ़ डीएम एसएसपी और को एक पत्र उन्होंने लिखा था। जैसे ही पत्र एसएसपी को मिला तत्काल पूरे मामले की जांच एसएसपी ने एसपी क्राइम को सौंप दिया। इसके अलावा जो अलीगढ़ पुलिस है उसने वाइस चांसलर लॉज के बाहर पुलिस फोर्स के जवान तैनात कर दिए गए और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीधे तौर पर वाइस चांसलर ने कहा है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर तमाम धमकियां वाइस चांसलर को मिल रही थी उसी को देखते हुए ये पत्र लिखा गया है। आपको बता दें कि पिछले 20 दिन से लगातार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो छात्र छात्राएं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सीधे तौर पर वो वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार को दोनों को अपना निशाना बना रहे थे। इसी संदर्भ में वाइस चांसलर द्वारा पत्र लिखा गया था। अलीगढ़ पुलिस मामले को बहुत ही गंभीरता से ले रही है, इसी को लेकर आज
शाम 5 बजे वाइस चांसलर के और पुलिस के बीच एक मीटिंग भी रखी गई है, जिसमें जिले के पुलिस प्रशासन के अलावा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तमाम डीन वगैरह मौजूद रहेंगे और सीधे तौर पर बात गिरफ्तारी की जाए तो देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से अलीगढ़ के जो वाइस चांसलर हैं वो अपने ही छात्रों से, यानी जो छात्र हैं जिन्होंने हंगामा किया था उनसे ही वो जान से खतरा बता रहे हैं, तो उसको लेकर तो कल ऐसा क्या हुआ प्रमोद, कल ऐसा क्या हो गया कि लेटर लिखना पड़ा वाइस चांसलर को? क्या कोई ऐसी घटना उनके सामने घटी है? क्योंकि विरोध तो हमने पहले भी देखा था कि जेएनयू और जामिया के स्टूडेंट प्रोटेस्ट का समर्थन करते हुए एएमयू में प्रोटेस्ट हुआ था, उस वक्त तो इस तरह की बात नहीं सामने आई थी। फिर कल ऐसा क्या हो गया, कल ऐसा क्या महसूस कर लिया वाइस चांसलर ने कि उन्हें लेटर लिखना पड़ा? देखिए, तमाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं, तमाम छात्रों और छात्राओं से लगातार वो अपील कर रहे थे कि कैंपस जो भी धरना प्रदर्शन है उसे खत्म किया जाए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि जिसे जो धरना कर रहा है वो कैंपस के 100 मीटर के दायरे में कोई भी धरना नहीं कराएगा। बावजूद इसके छात्र छात्राएं धरना प्रदर्शन कैंपस के अंदर कर रहे हैं और इसके अलावा सोशल मीडिया पर पिछले 2-3 दिन से लगातार वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार को धमकियां मिल रही थी। इसी को बिल्कुल गंभीरता से वाइस चांसलर ने लिया है और तत्काल पूरे मामले में लेटर लिखा। लेटर के बाद पुलिस पूरी तरीके से हरकत में आ गई है और पुलिस में खलबली मच गई है। तुरंत भारी तादाद में पुलिस फोर्स के जवान भी तैनात कैंपस के बाहर, यानी वाइस चांसलर जो लॉज है उसके बाहर कर दिए। सवाल फिर वही बड़ा खड़ा हुआ कि जिस तरीके से जो लोग धमकियां देने वाले हैं, जिनके द्वारा कैंपस में पोस्टर लगाए गए धमकियों के, उसके भी पुलिस सीसीटीवी फुटेज निकलवा रही है, देख रही है कि वो छात्र कौन है जो कैंपस के अंदर जिन्होंने पोस्टर चिपकाए और सीसीटीवी फुटेज तलाश रही है, जिससे कि उन छात्रों की पहचान हो सके और जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो सके। हालांकि पूरे मामले में जब एसएससी से जानना चाहा तो एसएससी ने सीधे तौर पर कहा है कि कोई भी जो दोषी छात्र है वो धमकी देने वाले उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और लगातार पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और बहुत ही जल्दी गिरफ्तारी होना भी उम्मीद यही करते हैं कि जो भी इस साजिश के पीछे हैं, जो भी इस तरह की धमकियां दे रहे हैं, पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, वाकई में ये चिंताजनक बात है। ये स्टूडेंट्स तो नहीं हो सकते प्रमोद, जो इस तरह के पोस्टर्स लगा रहे हैं और खुलेआम धमकी दे रहे हैं, तो जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई हो यही हम उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद हमारे साथ जुड़ने के लिए।